नगर परिषद हमीरपुर में एसडीएम हमीरपुर शशिपाल नेगी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें नगर परिषद के जेई सहित उपाध्यक्ष, पार्षद और कर्मचारी उपस्थित रहे। मीटिंग में शहर को और बेहतर बनाने के लिए चर्चा की गई। शहर की सफाई और गीले व सूखे कूड़े के सही निष्पादन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि नगर परिषद के प्रत्येक वार्ड में 10 पौधे लगाए जाएंगे। इनके लिए पार्षद वार्ड में 10 सार्वजनिक जगह चिन्हित कर उपमंडलाधिकारी को बताएंगे। शहर को हरा भरा बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इन पेड़ों में फलदार छाया वाले पौधे शामिल होंगे ताकि धूप होने पर लोग पेड़ की छाया में खड़े हो सकें। इस पर सभी वार्ड पार्षदों ने सहमति जताई है। इसके साथ डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपमंडलाधिकारी ने सड़क किनारे लोगों के चलने के लिए अलग से कच्ची जगह पर पेवर टाइलें बिछाकर रास्ता बनाने का सुझाव दिया ताकि लोग सड़क के बजाय उस रास्ते पर चल सकें। इससे लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और वाहन चालकों को भी सुविधा मिलेगी। बैठक में पार्किंग का मुद्दा भी उठा। शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने को लेकर चर्चा की गई। नई पार्किंग बनाने के लिए जगह ढूंढने को कहा गया। मंडलाधिकारी ने नगर परिषद अधिकारियों को कार्यालय में सोलर पावर प्वाइंट लगाने को कहा ताकि कार्यालय का बिजली बिल कम हो सके। इसके लिए उपमंडलाधिकारी हिम केयर ऊर्जा वालों से बात करेंगे। इस दौरान शहर के स्ट्रीट लाइटों की मुरम्मत और उन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया कि सप्ताह में 2 दिन हर वार्ड को स्ट्रीट लाइटों को लेकर निरीक्षण किया जाए। वहीं खतरनाक अपशिष्ट के लिए शहर में अलग से जगह चिन्हित की जाएगी। इन्हीं स्थानों पर खतरनाक अपशिष्ट, खराब मोबाइल और दवाइयां फेंकी जाएंगी। इसमें अन्य कूड़ा कचरा नहीं फेंका जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष दीप बजाज, कनिष्ठ अभियंता अश्विनी, सफाई इंचार्ज राजेंद्र कुमार शर्मा, बुद्धि सिंह, पार्षद अश्विनी, मनोज कुमार, अनिल कुमार, वीना कुमारी, शकुंतला देवी, रीता शर्मा, आशा रानी, रीता खन्ना आदि मौजूद रहे। उपमंडलाधिकारी शशिपाल नेगी ने कहा कि शुरुआत में 10-10 पौधे लगाए जाएंगे। इसके बाद और पौधे लगाने का प्रयास किया जाएगा। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 4 की पार्षद रीता खन्ना अपने वार्ड की सफाई का टेंडर खुद लेंगी। इसके लिए वे अपने साथ वार्ड में बने स्वयं सहायता समूह को जोड़ेंगी। वे स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर वार्ड की सफाई का जिम्मा संभालेंगी। वार्ड को सुंदर बनाने और महिलाओं को आगे लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा, वहीं लोग भी इससे प्रेरित होंगे। इसके लिए प्रशासन भी सहायता करेगा। बंजार बस हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने इस दुर्घटना को सरकार एवं प्रशासन की लापरवाही की परिणति करार देते हुए मांग की है कि विभाग के मंत्री को तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री का ये वक्तव्य कि दुर्घटना मानवीय चूक की वजह से हुई अपने आप में हास्यास्पद है। क्या मंत्री के पास इस सवाल का कोई जवाब है कि दुर्घटनाग्रस्त बस में 70 के करीब सवारियां कैसे बैठ गई? इतनी अधिक ओवरलोड बस को किसी अधिकारी ने नोटिस कर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? तथा इस रूट पर इतनी कम सुविधा क्यों है कि लोगों को घर पहुंचने की मजबूरी में खतरनाक और दुर्गम मार्ग पर चलने वाली बस की छत तक पर सवार होना पड़ा? कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बस दुर्घटना दुखद होने के साथ सरकार और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। प्रेम कौशल ने कहा कि ये निहायत दुर्भाग्य का विषय है कि दुर्घटना में घायलों का इलाज भी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करना पड़ रहा है। कि बंजार का जो हॉस्पिटल है, मैंने पढ़ा समाचार पत्रों में कि उसमें जो घायल थे उनका इलाज मोबाइल की जो टॉर्च है उसकी रोशनी में किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे ज्यादा दुखद एवं हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि हमारे जो स्वास्थ्य संस्थान हैं उनमें जनरेटर की व्यवस्था नहीं है और इस तरह की आपदा और दुर्घटना की स्थिति में
मरीजों का इलाज करने के लिए, मरीजों का ट्रीटमेंट करने के लिए मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ा। ये बड़ा हास्यास्पद और बहुत जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 24वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित सरकार के कई मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बी रामा सुब्रमण्यन से पहले मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। जून 1958 को जन्मे न्यायाधीश बी रामा सुब्रमण्यन ने चेन्नई स्थित विवेकानंद कॉलेज से बीएससी की और वर्ष 1983 में लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद वकालत शुरू की। उन्हें 31 जुलाई 2006 को मद्रास हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश को मुख्य न्यायाधीश मिलने पर खुशी जताई और कहा कि नए न्यायाधीश मिलने से न्यायिक व्यवस्था में तेजी आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी नए चीफ जस्टिस को नियुक्ति पर बधाई दी। मुख्यमंत्री से पूछे गए लोकायुक्त और मुख्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने पदों पर जल्द नियुक्तियों करने की बात कही। सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर मंथन कर रही है और बहुत जल्द पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हिमाचल छोटा प्रदेश है और यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं। मुझे लगता है कि उनके मार्गदर्शन में और हिमाचल प्रदेश के सारे संदर्भ में बहुत ही चीज़ें व्यक्त करने के लिए हमारे पास जो है वो रास्ते निकलेंगे और मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ।